नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरिस ग्रीन कैफ़े में। आज मैं आपको बताऊंगी बीज से पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं और बरसात के मौसम में हम कौन कौन से बीज तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो ये लौकी है, बीन्स है, स्वीट कॉर्न है, करेला, बरबट्टी, तुरई, चिकनी तुरई और धारी वाली तुरई हम दोनों लगा सकते हैं। ये करेला है, खीरा, ककड़ी, ये मूली है। तो मूली के हमें पौधे तैयार नहीं करने हैं, ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये जुलाई लास्ट या अगस्त महीने में लगाना है। और हमारे पास तीन टाइप के टमाटर हैं, तो एक नॉर्मल टमाटर है और दो चेरी टमाटो हैं। तो इन पौधों को तैयार करने के लिए हमें सीडलिंग मिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वर्मी कंपोस्ट है और इसमें हम कोकोपीट मिलाएंगे और कुछ मात्रा में हम इसमें मिट्टी भी मिला लेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम सीडलिंग मिक्स बना लेते हैं। ये सीडलिंग ट्रे है जिसमें हम अपना जो सीडलिंग मिक्स बनाए हैं उसे अच्छे से भर लेंगे। ये जो ब्लैक पॉलीथीन है इसमें हम थोड़े बड़े साइज़ के पौधे लगाएंगे, जैसे लौकी, ककड़ी, खीरा, तुरई, करेला। ये बड़े पौधे जो होते हैं वो हम इस ब्लैक पॉलीथीन में लगाएंगे। इसे हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें बीज लगाना चालू करेंगे। इसे हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो हम इसमें बीज लगाएंगे। हम ये एक एक पॉट में दो से तीन बीज आप लगा सकते हैं। बीज मिट्टी के बहुत नीचे नहीं डालना है, अगर मिट्टी के बहुत नीचे दब जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो बीज जिस साइज़ का होता है बस उसे डबल साइज के ही नीचे हमें लगाना है, मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है, उससे अच्छे से बीज जर्मिनेशन नहीं होता है नहीं तो। सारे बीज हम अच्छे से लगा लेंगे।
सारे बीज लग गए हैं और ये 7 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए हमारे सारे पौधे अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और हम इन्हें सेडी एरिया से हटा के छत में ले आए हैं ताकि इन्हें प्रॉपर धूप मिलती रहे। तो हमारे पौधे बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, कुछ पौधे जर्मिनेट नहीं हुए, कुछ बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं, बाकी हमारे सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं अच्छे से। ये 20 से 22 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये अब ट्रांसफ़र करने के लायक हो गए हैं, अब हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े ग्रो बैग में। हमारे पौधे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हेल्दी पौधे हैं, अच्छे हरे भरे हैं, हम इन्हें ग्रो बैग में अब ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमारे सारे पौधे अच्छे बड़े हो गए हैं 20 दिन के बाद, अब हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।